नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ट्रिक्स विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में हम आज का जो पंचायत सचिव का जो टेस्ट हुआ है उसमें हिंदी और जीके सेक्शन में लेकर आया हूँ, उसके आंसर के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आजकल बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है आपके राजेंद्र विश्वनाथ हलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। तो शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसका नाम जो है नरेंद्र नाथ था। हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला जो है कहाँ पर किससे जुड़ा है। तो ये जुड़ा है बिलासपुर ज़िले से। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे। तो ये हुए थे आपके 1951 में। भारत का हड़तालवा मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था। तो ये जो है आपके अरविंद बोबड़े को चुना गया था। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दोस्तों 92 संवैधानिक संशोधन को। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण कर रहा है। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा शक्तिकांत दास, इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित किए गए थे। तो ये किए गए थे दोस्तों जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति किसे चुना गया था। इसका आंसर है जो बिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका रेणुका झील, जो कि आपकी बिलासपुर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये जो दोस्तों चंबा में है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है। तो दोस्तों ये जोड़ता है आपका लाहौल स्पीति घाटी को। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है वो है आपका ऑप्शन ए, इज राइट आंसर एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा होगा वो होगा आपका जिम कार्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 32। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है। तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके नरेंद्र मोदी, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही हो आपका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। इससे पहले योजना आयोग था भारत में, नरेंद्र मोदी ने उसको नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अब तक करेक्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इसका आंसर जो है जब ऑप्शन आंसर की आएगी तो तभी लग पाएगा पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था। तो ये जीता था आपका जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मामीटर समान है। तो इसका आंसर होगा -40°। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला डैडस व्यवहार करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका अपतल लेंस, एयर बबल इन वाटर बिहेव एज कनकेव लेंस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर C-14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका एरिस्टोटल यानी अरस्तु। मानव शरीर में सबसे बड़ी
और मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर। अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो है आपका हिंदी। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन था वल्वाचार्य के शिष्य कौन है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमर में पहनने वाले आभूषण को आभूषण का नाम बताइए, तो दोस्तों इसमें अभी कन्फ्यूज़न है, तो इसका जो है पता जो है फाइनल आंसर की आने पर ही पता लगेगा, जो कि ऑफिशियल रूप से HVU द्वारा भेजी जाएगी। बिस्मिल्ला खान संगीत के किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए सेनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रहीम पानी रखियो बिन पानी सब सुन पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें जो दोस्तों सलेस अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकर्षण का विलोम शब्द बताइए, तो इसका होगा आपका विकर्षण, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें अशुद्ध शब्द है आपका दोस्तों सन्यासी, यानी जो है बाकी तीन जो है शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका गुणवत्ती महिला सर्वत्र समान होता है, गुणवत्ती महिला का सर्वत्र समान होता है। निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का विशेषण बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांद पर थूकना, इसका अर्थ क्या है, तो इसका आंसर जो है इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका संभव कार्य, क्या कोई चांद पर थूक सकता है, तो ये क्या है संभव कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ खाने वाले के लिए उपयुक्त शब्द, तो होगा सर्वभक्षी, जो कि सब कुछ खा जाता है। पीले हैं अंबर जिसके यानी पीताम्बर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है, समास होता है द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में आपका अधि जो है उपसर्ग है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो होगा आपका आहट, घबराहट यानी आहट। और नमस्कार का सही संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन ए नम जमा कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा होगी आपकी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर की महत्वपूर्ण देन क्या है, फादर बुलके की, तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका हिंदी अंग्रेजी हिंदी कोश। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।